देखो 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है x plus y equals to 14 और x minus y equals to 4, ठीक है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन ऑफ द y सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ेंगे, घुमा फिरा के ये कह रहे हो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना होता, दो इक्वेशन गिवन है तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे, सपोज कर लेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब इसमें करना कुछ नहीं होता है, आपको पहले इक्वेशन लेंगे, आप फर्स्ट इक्वेशन लेके एक्स या वाई की वैल्यू निकालना है, उसको आपको इक्वेशन सेकेंड में रखना है। तो करेंगे वाई इक्वेशन फर्स्ट, तो वाई इक्वेशन फर्स्ट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14। अब आप यहाँ पर एक्स इक्वल्स टू भी कर सकते हो, वाई इक्वल्स टू भी कर सकते हो, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 14 माइनस वाई, इक्वेशन थर्ड सपोज कर लेना है इसे। देखो ये x था, ये y था, y प्लस का वाई सब जाके क्या हो जाएगा माइनस का y, तो ये जो x की वैल्यू आई है, इस x की वैल्यू को हमें, हमने जो कि फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली थी, हम कहाँ रखेंगे सेकेंड में। तो लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो आपका जो x हैगा, x ही का मुझे क्या रखना 14 माइनस y, तो जाएगा 14 माइनस y माइनस y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो माइनस y क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 4। अब ये 14 को उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2y इक्वल्स टू 4 माइनस 14, तो माइनस 2y 4 में से 14 जाए क्या बचेगा माइनस का 10, माइनस से माइनस, तो y इक्वल्स हो जाएगा 10 अपॉन में 2, 2 5 जा 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है x की, तो हम यहाँ पर इक्वेशन थर्ड में रख देंगे y की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, तो x ये कितना है 14 और y की वैल्यू कितनी है 5, तो x प्लस टू कितना बचेगा 9। सिंपल है, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है लीनियर इक्वेशन, ठीक है, कर लो नोट, समझ में आ गया कि नहीं आया।